رب تمم من خير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. आज के मौसूल शुदा कामों में सबसे पहले हमारे पास जो काम है सबसे पहला जो काम है उसकी तस्वीर सही नहीं आई, उसने मेरा मालूफ अच्छा है, वहाँ भी अच्छा है, ज्यादा नीचे आ गया, ता बिल्कुल सीधा हो गया, ता में झोल नहीं आया, ता का साइज ठीक है लेकिन झोल नहीं आया। जिन के ऊपर का हिस्सा अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ बड़े हो गए, जबकि यहाँ भी यह हिस्सा बहुत बड़ा हो गया, ये वाला साइज ठीक है, दाल ये वाला अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, इसमें आखिर में एक नोक नजर आ रही है, उसके ये वाला दाल जो मैंने सही करार दिया ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, साइज इसका सही है लेकिन इसके आखिर का हिस्सा मुतासर है, रॉ ये अच्छा है, ये वाले रॉ में बहुत ज्यादा इधर को आ गई, ये पहला हिस्सा अच्छा है लेकिन दूसरा हिस्सा ठीक नहीं है और आखिरी हिस्सा भी ठीक नहीं, सीन आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, यहाँ जरा गोल हो गया था, यहाँ ये ठीक होके फिर इधर आया, ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत शानदार काम है माशाल्लाह मुमताज। आखिरी वाली लाइन आपकी अच्छी है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके अलावा उस पर रतलायन का काम है, बहुत अच्छा लिखा है माशाल्लाह, अलिफ को यहाँ लिखे, रॉ छोटा हो गया आपका, ये वाला रॉ ठीक था, बेहतर है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सीन का ये हिस्सा बहुत पतला हो गया, ये वाला हिस्सा गोल गोल हो गया, जीम को थोड़ा सा और मजीद नीचे लाएं फिर सीधा करें, बहुत जल्दी पतला हो गया, सीधा तो सही हुआ लेकिन पतला ज्यादा, अलिफ कमजोर है बाकी अच्छा है, ये हिस्सा आपका काबिल गौर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा माशा। देखें इस पे सीन पे थोड़ा सा काम करें, बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं आपकी माशाल्लाह मुमताज, बारकल्लाहु फीक। इस मरियम अतीक का काम है, अलिफ बेहतर है, बा को थोड़ा सा घुमाएं, ऐसे घुमाएं, बाकी ठीक है, ताप बहुत अच्छा है, गुण जीव का ऊपर का हिस्सा बहुत शानदार है माशाल्लाह, यहाँ थोड़ा कलम हिल गया अलबत्त ठीक है, थोड़ा सा पतला होने पर ठीक, दाल का ये हिस्सा ठीक नहीं है, नीचे वाला बेहतर है, रॉ अच्छा है, इसको थोड़ा छोटा करें, इस हिस्से को थोड़ा सा ऊंचा करें, सीन अच्छा है, इसका रुख बहुत ज्यादा तिरछा हो गया, बाकी सीन बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, इसको थोड़ा सा सीधा रखें, हल्का सा सीधा रखें, बस ये जगह कमजोर है, बाकी बाह में ये जगह कमजोर है, बाकी काम आपका बहुत अच्छा है आज, जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई, बेहतरीन काम है मुमताज माशाल्लाह। मिस अपरा का काम है, बहुत खूब, ये वाला सीन बहुत अच्छा है, इसके ये हिस्से थोड़े बड़े हो गए, दूसरा वाला ये पांच दाल ये इंतहाई खूबसूरत, थोड़ा सा नीचे जाते हुए जी महसूस होता है लेकिन उसको थोड़ा सा सीधा किया करें फिर लिखा है, बाकी चीजें इंतहाई खूबसूरत हैं, आला है आला माशाल्लाह,
बहुत खूब बहुत खूब, जजाकल्लाह। नाटक अच्छा बेहतरीन, बारक अल्लाह फीक, फतह अल्लाह अलैक। अच्छा जी, मुसरीबा बहुत ही चौंका देने वाला खूबसूरत काम है माशाल्लाह। रा जो आपने बनाए हैं ये वाले इंतहाई खूबसूरत, वाह जी वाह। यहाँ थोड़ा पतला हो गया अलबत्ता, वाकई ठीक है, बहुत आला भाई, वाह वाह माशाल्लाह, मजा आया देख के, मुमताज जिद्दन माशाल्लाह। इसी तरह मेहनत जारी रखनी है आपने, ऐसे ही लिखना है बस, देख देख के। मुसीमना का काम है, अरिफ थोड़ा सा यहाँ से कमजोर हो गया, ता अच्छा, बा अच्छा, जीम अच्छा, दाल अच्छा, रा अच्छा, रा अच्छा, सीन भी बहुत अच्छा, यहाँ ज्यादा पतला हो गया, यहाँ थोड़ा सा फौरन पतला हो गया, थोड़ा सा मोटा आता बाल बराबर, और इसको नीचे से मोटा होना था, फिर ऊपर का है, इसको थोड़ा सा पतला करें, और आप बहुत ज्यादा ये घूम गया, ये वाला अच्छा है, इसमें राउंड ज्यादा आते। बहुत खूब भाई बहुत खूब, आज मजा आ रहा है आप लोगों का काम देख के, मुमताज मुमताज माशाल्लाह। मिसफक का काम है, अभी यहाँ से पतला है, इसको थोड़ा तो छोटा करें, यहाँ से लेके आए, जीम के ऊपर का हिस्सा अच्छा है, इसको और आगे लेके आना, बड़ा करना है, दाल का हिस्सा मोटा मोटा हो गया, घूमा नहीं है, पतला नहीं हुआ, यहाँ से पतला भी होना है इसको, ये हिस्सा लंबा हो गया, रॉ का ये हिस्सा बहुत ऊंचा हो गया, ये हिस्सा बेहतर है, रॉ को यहाँ से आना था, फिर लेके आना है इसको, थोड़ा कलम को सीधा रखें, बहुत तिरछा हो गया, थोड़ा सीधा रखें, सीन में भी बहुत काम करना है, दायरा ये वाला बेहतर है, अलबत्ता ये गोल गोल हो रहा है, इसमें स्ट्रोक्स वाजे नहीं है बहुत, जैसे कि मैंने बताया था बहुत ऊपर जा रहा है, यहाँ कलम पूरा नहीं लग रहा, यहाँ बहुत मोटा हो गया, तो ये चीजें देखने में आ रही हैं, तो रॉ को बेहतर करना है, जीम को बेहतर करना है, स्क्रीन के दंदानों को बेहतर करना है, दाल पूरा का पूरा, गलतियों की निशानदेही मजीद कलम से भी करूंगा, उसके लिए सबके काम चेक कर लें, फिर आपके मसले की तरफ भी आते हैं। इस फाइजा का काम है भाई माशाल्लाह जबरदस्त, थोड़ा सा छोटा करें, बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह, अधिक बहुत अच्छा है, जिंदाबाद माशाल्लाह, यहाँ ज़्यादा पतले हो गए आखिर में, थोड़ा मोटा रहना चाहिए, जो मैंने चेक किए हैं वो इंतहाई आला है माशाल्लाह, और बाकी किसी का रुख यूं जा रहा है, कोई बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो रुख का मसला है, जिनको मैंने चेक करार दिया है वो बेहतरीन है माशा, मुमताज मुमताज माशा। हमारे खाते नस्क नस्क के दो ग्रुप्स हैं, तो दो ग्रुप्स के अलग अलग शुरका हैं, तो इसीलिए ये अरिफ है, बहुत अच्छा, यहाँ कलम सीधा हो गया, जिसकी वजह से ये स्ट्रोक्स देखें बहुत मोटे हैं, जरा कलम को तिरछा रखें तो ये स्ट्रोक थोड़ा पतला आएगा, इस चीज का ख्याल रखें, सीधा रखते हैं तो मोटा होता है, तिरछा रखते हैं तो पतला आता है, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखें। दाल अच्छा है माशाल्लाह, ये अचानक से नोक ना निकले, ये अच्छा है, रॉ अच्छा है, सीन में बहुत नीचे चला गया, थोड़ा सा तो उठाए ऊपर, बहुत सीधा हो गया ऐसे, थोड़ा ऊपर उठाए, यहाँ ये नोक ना निकले, ऐसे ना जाए, तो नीचे आके फिर ऊपर जाए, यहाँ जैसे अच्छा बना, ये थोड़ा पतला रह गया, बाकी ये जगह अच्छे हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा चला गया, इसकी ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, तो बस इस हिस्से को देखें, बाकी काम आपको मुमताज, बहुत अच्छा आला है माशाल्लाह मुमताज।
मिस उम्मे मरियम, आरिफ अच्छा है आपका, बा यहाँ से भी बड़ा हो गया, उसमें झोल बहुत आ गया, ता कहिए इससे ठीक नहीं है, ये इससे बेहतर है, नुक्तों को ठीक करें, जिन कहिए इससे अच्छा तो है लेकिन बड़ा बहुत हो गया, यानी चार नुक्तों से ज्यादा कम हो गया, यहाँ ये अच्छा है, यहाँ अच्छा है, और बहुत अच्छी कोशिश है, फर्स्ट टाइम आपने लिखा है तो अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है, दाल थोड़ा बड़ा हो गया, वहाँ पर ये हिस्सा अच्छा है, इसको छोटा करें, तो इस वहाँ पर मेहनत करें, सीन में अभी कसर बाकी है, सीन अभी आपने दुरुस्त करना है, ना दायरा उसका ठीक है, क्योंकि आप कलम ऐसे पकड़ रहे हैं, कलम ऐसे पकड़ रहे हैं, कलम के जाविये का ख्याल रखेंगे तो आप बेहतर से लिख कर पाएंगे, शीर्षक ख्याल रखें, बाकी काम आपका पहले दफा चुके लिखा है तो उस एतबार से बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा, संत अहसन, माशाल्लाह इंडिया से है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, मुस्फिरा का काम है, और मुस्फिरा ने कलम सही पकड़ना है, ये गोल गोल हो गए, दायरा भी छोटा हो गया, नीचे आना है, फिर मार, इसको ऐसे ऐसे नहीं बल्कि इसको इस तरह से, फिर ये, फिर ये, फिर इस चीज को देखें, मेहनत करें, अच्छे कागज पे लिखें ताकि आपकी इंक ना फैले, ताहिरा का काम आया है, अभी तो अच्छा है, बाल को थोड़ा छोटा करें, जीव अच्छा है, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, दाल बहुत अच्छा है, रात मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है जिसको आपने क्रॉस किया, तो थोड़ा सा सर वो लंबा कर, ज्यादा तिरछा नहीं हो गया था तिरछा हो गया लेकिन बेहतर है, अच्छा जी। ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, बाल बराबर लेकिन अच्छा है, सीन का दायरा थोड़ा छोटा करें, बाकी सीन आपका अच्छा है, दायरा थोड़ा छोटा करें और इसको ज्यादा ना घुमाएं, यू ज्यादा ना घुमाएं, तो सीधा लाएं, फिर जी सर बाकी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह मुमताज मुमताज, थैंक सही जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, यू सर। सत्वत का काम है, कलम आपने ठीक नहीं रखा, कलम को और थोड़ा सीधे एंगल पर रखें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे आते आते पतला भी करें, ये मोटा हो रहा है, नीचे एक नोक दिखनी चाहिए, दो नोकें नजर आ रही हैं, बा को भी थोड़ा सा खड़ा कलम रखें, इसको छोटा करें और इसको वापस इस तरह पलट पलट के दिख जाए, इसको घुमाएं और दाल आपका छोटा हो गया, आखिर से बहुत मुड़ गया, इसको उठा के इसको बड़ा करें, थोड़ा सा छोटा हो गया, ये बहुत उठ गया, ये इससे लंबा हो गया और ये पतला हो गया, ये बहुत मोटा हो गया, ये गोल गोल हो गए, दायरे को इधर लेके आना है, फिर इस तरह करना है, तो आपके कलम पकड़ने का अंदाज ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपके हरूफ अभी सही नहीं बन रहे, यानी थोड़े से अते नस्क वाले लग तो रहे हैं, साइज पे बन तो रहे हैं लेकिन उनके कलम का जाविया छू छू के ठीक नहीं है, इस वजह से
यहाँ पर ये गोल गोल बहुत सादा हो रहा है और बारीकियां नहीं देख रही इसको। तो अच्छा है माशाल्लाह, अक्सम थी, बारक अल्लाह फीक। और मेहनत करनी है, मैं कुछ बताऊंगा कलम से लिख के, फिर आप उसको नोट कीजिएगा। जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये किन का काम है? साइमा का लग रहा है क्योंकि नाम नहीं लिखती हूँ। जी सर मेरा है सर, ये जी जीन नीचे लिखा गया मुझसे आज। नहीं लिखा गया, सही पोजीशन में नहीं लिखा गया, बहुत नीचे आ गया। सही है, अच्छा है, अच्छा है, दाल भी अच्छा है, राव भी अच्छा है, इसको थोड़ा सा पतला कर दिया है, सीन अच्छा है, आपने खुद ही मिटा दिया इसको। अच्छा, बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। इसको इसको भी सही पोजीशन पे लेके आए, सीन को भी सही पोजीशन पे लेके आए, तो पोजीशन तो मैटर करती है ना कंपोजिशन में। काम अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन इसको सही नशे पर लेके आइए माशाल्लाह। इस आसिया का काम है, बहुत अच्छे, इसको थोड़ा सा और बड़ा करें क्योंकि आपके नुक्ते थोड़े से नीचे की तरफ स्क्वायर बन रहा है, जरा तिरछा इस तरफ का स्क्वायर बना है, आपका स्क्वायर ऐसे को बन रहा है जिसकी वजह से साइज थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा। इसको छोटा करें, घुमाएं इसको, ये अच्छा है, थोड़ा सा और लेके आए इसको। दाल बहुत खूबसूरत है, इसको यहाँ से एक बाल बराबर और बड़ा करें, इसको मोटा करें, नीचे से पूरा कलम लगेगा, यहाँ पूरा कलम नहीं लग सका, इसको थोड़ा और नीचे लाके ऊपर लेके आए, ये बहुत मोटा हो गया, ये बहुत घूम गया, और ये फौर ज्यादा नीचे आकर फौरन उठ गया, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाकर ऐसे लेके आए और इसको ज्यादा ना घुमाए, इसका ख्याल करें। बाकी ये स्ट्रोक अच्छा है आपका, यहाँ भी ये बहुत ज्यादा घूम गया, यहाँ भी बहुत ज्यादा घूम गया, यहाँ रॉ पतला हो गया, ये हिस्सा मुतासिर है, यहाँ पर पास होते हैं, तो इन चीजों को देखिए। बाकी काम अच्छा है माशाल्लाह, मुमताज, बारक अल्लाह फीक। सर इतने सारे रेड मार्क्स हैं, कहाँ हाँ, मुमताज है रेड सर। मार्क्स की परवाह ना करें, बस यह है कि आप सही रुख पर चल रही हैं, मुझे इस चीज का अंदाजा है ना, मैं कोई आप लोगों की दिलजोई के लिए ये नहीं कर रहा, बल्कि मुझे कुछ नजर आता है तो मैं रिमार्क्स देता हूँ। अच्छे, थैंक यू सर। और ये देखें, मैं सीमा, ये ऊंचा हो गया, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, बाकी सीन अच्छा है आपका, इसको थोड़ा सा बाकी तो अच्छा है, थोड़ा सा छोटा हो जाता तो और अच्छा हो जाता। ये हिस्सा 1.5 नुक्ते का, बाकी सीन अच्छा है माशाल्लाह, बहुत खूब। पहले हिस्से को देखें, बहुत ज्यादा मुड़ गया, बहुत ज्यादा ऊंचा भी हो गया, बाकी काम मुमताज है। मुस्फिरा, मैं पहले भी आपकी गलती बचा चुका हूँ कि ये गोल गोल हो गया है, और इसको किस तरह ठीक करना है वो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ आप। जी जी अच्छा जी जी इस अरीना का काम है, लाल अच्छा है, कलम सीधा हो गया यहाँ पे, ये हिस्सा अच्छा है, इसको तिरछा करना है ताकि थोड़ा नीचे आए, और आहिस्ता से इसको ऊपर लेके आना, सीधा ऊपर नहीं लेके आना, तिरछा ऊपर लेके आना, इस हिस्से को थोड़ा और बड़ा करें, और तो फिर इसको वापस लेके जाएंगे तब ठीक बनेगा। ये हिस्सा बहुत देर कर दी इसमें, इसको खत्म करने में जल्दी खत्म करें और इसको ऐसे लेके आए। सीन का ये हिस्सा
थोड़ा ऊंचा, ये बिल्कुल यूं हो गया, तो थोड़ा घूम के ऐसे आना था, ऐसे इसका ख्याल रखें, और इसको थोड़ा सा छोटा करें, कम करें, दायरा बेहतर है, दायरा बेहतर है, इसकी वजह से वो सीन खराब लग रहा है, इस हिस्से को बेहतर करें, बाकी आपका काम अच्छा है। ये जगह है और ये जगह है, ये दो जगह कमजोर है, दाल में ये नीचे, इसको नोट करें, बाकी काम और अच्छा है माशाल्लाह। अहसंत, बुखारी साहब का काम है, अलिफ ज्यादा तिरछा हो गया, थोड़ा सा कम रखे इसको, बा बहुत अच्छा है, जीम यहाँ से बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ा बहुत करते हैं, छोटा करें इसको, दाल अच्छा है, कम करें, छोटा करें, यहाँ से भी, यहाँ से भी घुमाए जल्दी, बहुत ज्यादा राउंड दे दिया आपने, रॉ अच्छा है आपका, ये रॉ भी अच्छा है, थोड़ा सा नीचे से बाल बराबर जगह रह गई, ये हिस्सा बहुत मुतासर है, ये खूब है, लेकिन ये बहुत, ये भी घूम गया और ये बहुत ज्यादा पतला हो गया ऊपर का हिस्सा, और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको ऐसे लेके जाना होता है, जबकि आप इसको ऐसे ले गए ऊपर, तो ये गलती है और ये गलती भी है, इस चीज को जरा नोट कीजिएगा, बाकी काम आपका बेहतरीन है, जीन को छोटा करें, अलिफ का रुख ठीक करो, मुमताज माशा, सदीला का काम है, कलम थोड़ा सा हिल रहा है, इसलिए कि सर सच्ची बताओ इस दफा बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर सकी थी मैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिला प्रैक्टिस करने का, मैंने अभी आपको लिख के भेजे। लेकिन नशिस्त बड़ी अच्छी आपने रखी है, जैसे जो तरतीब है वो बड़ी अच्छी है, लफ्जों की बनावट मैटर है, मतलब ये कि कलम पतला मोटा जरूर हुआ है, हिल रहा है कलम, लेकिन लफ्जों की साख्त अच्छी हौला तो। लगूगा, मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने तो भी, मैंने कहा मेरे बस लग जाए कि मैंने आपको चेक करा दूं, वरना मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की, इसी वक्त लिख के दिया आपको, प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह फिर हम इस पर इंशाल्लाह। आपको रिमार्क्स भी देते हैं उस पर। बहरहाल अच्छा काम है माशाल्लाह, आज बहुत कम काम आया भाई, जिसकी वजह से अभी तक ये हमने इसको चेक भी कर लिया है, आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं काम कम भेजते जा रहे हैं, तो ऐसा ना करें, लोग ज्वाइन भी करें, तादाद भी कम हो रही है और काम भी कम आ रहा। और मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग काम क्लास से पहले भेजें, मैं जब लिखना शुरू कर दूंगा फिर मैं किसी का काम नहीं देखूंगा, तो काम मैं पहले देखता हूँ, काम आप लोग क्लास से पहले भेजा करें। ये देखें ताज़ा ताज़ा काम है, जिसकी दलील यह है कि इंक अभी तक नहीं सूखी, तो ऐसे ऐसे ताज़ा ताज़ा काम में भेजा करें। आपके ग्रुप बहुत छोटे हैं, बहुत हिल रहा है, ये इसका रुख सही नहीं है, इसको पतला करें, ये बहुत ऊंचा चला गया, ये हिस्सा सही है लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करें, सीधा लाएं, दाल बहुत मोटा मोटा हो गया, सीधा सीधा है, दोनों नोके नजर आ रही हैं, किनारा नहीं बना, कलम सही नहीं पकड़ा, जिसकी वजह से हरूफ ठीक नहीं है, खूब पहले मश्क करें और फिर काम भेजें, बगैर मश्क के काम ना भेजें, ये आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और अपने काम के साथ, और मेरे साथ भी ज्यादती है।
ये जीम है, इस हिस्से को देखा चले खास तौर पर। दाल में देखें, सर एक ये दाल में छह मतलब नुकात का नहीं था, सर ये जीम छह नुकात का नहीं था। छह का भी है, पांच का भी है, छह अच्छा का भी जैसे बना अलिफ सकते है हैं वैसे। दोनों। हाँ बिल्कुल, अच्छा अलिफ की तरह है। अलिफ अगर पांच नुक्तों का बनाते हैं उसके मुकाबले में जीम आता है ना, तो जीम में पांच नुक्तों का, अलिफ छह नुक्तों का उसके मुकाबले में जीम आता है, तो फिर वो भी छह नुक्तों का, ये उसूल है। जी सर, मैं बा का भी उसूल है, अलिफ बा जीम तीनों। अच्छा ये एक तो पतला नहीं हो रहा आप लोगों से, ऐसा मोटा मोटा आ रहा है, दूसरा ऐसे घुमा आ रहा है, ये भी नहीं करना, ये रख के ऐसे पतला। दूसरी चीज के यहाँ सीधा रख रहे हैं भाई, सीधा रख के ऐसे नहीं ला रहे, मोटा हो जाता है इसमें भी और बा में भी। तो सीधा रखेंगे मोटा है, तिरछा रखेंगे तिरछा। ऐसे तिरछा रखें, थोड़ा नीचे आए, सीधा भी नहीं आना, ये नीचे आए और आहिस्ता से ये उठाएं और उस तरफ को जाए, ये नहीं कि ये किया और फौरन उठा दिया, या ये किया और उठाया तो सही लेकिन सीधा उठा, सीधा नहीं जाना, इधर को जाना है और नोक नहीं बननी चाहिए। फिर रॉ में बहुत ज्यादा नहीं घुमाना या छोटा नहीं करना है, थोड़ा सा ये रहे और ये इस हिस्से को मोटा करें। अब ये देखें मिस शुमाइला, ये ऐसे नहीं है, दो नोके नजर नहीं आ रहा, ऐसे घुमाना है, एक नोक नजर आए। इसी तरह रॉ में ये हिस्सा, अब इसको आप लोग बहुत ज्यादा यूं कर देते हैं या बहुत ज्यादा घुमा देते हैं, ये हिस्सा बनाने के बाद ये पतला हुआ, जैसे कि आप बा बना रहे हैं। तिरछा लाए, ये हल्का सा पतला हो, मोटा होगा, ये बिल्कुल पतला नहीं है कि आप इसको ऐसे करके यूं करें, ऐसे नहीं, थोड़ा मोटा होगा। और आखिर में देखें, मैंने बताया था कि इस तक पहुंचने से पहले आपने यहाँ पर कलम उठा लेना, तो ये पहुंच के फिर सीधा सीधा कलम, और ये ऐसे नहीं, गोल भी हो जाता है मोटा भी हो जाता है। तो ये आया, यहीं से आपने नीचे वाली नोक उठा दी, ऊपर वाली नोक से ये कर दिया, इसको मिला के ये गोलाई से आएगी, बिल्कुल मोटापन या नोक नहीं रखनी। सीन में देखें, एक गलती ये हो रही है, घुमा बहुत रहे हैं फिर ऊपर जा रहे हैं, भाई घुमाना भी नहीं है ऊपर भी नहीं जाना, थोड़ा सीधा रखें और तिरछा जाए, तिरछा इसके बराबर। एक काम तो ये करना है, दूसरा काम ये है कि ये बिल्कुल पतली नोक, मैंने बताया था पतली नोक करके ऐसे नहीं, एक तो पतली नोक हो रही है, दूसरा बहुत लंबा हो रहा है, दो रुकतों का हो रहा है, ये भी नहीं, तीसरा ये हो रहा है कि ये ऐसे आया जैसे लीना के काम, तो ये भी नहीं। इसको यहीं पे रोके, इसके बराबर, और फिर ये इसके बराबर से, अब इसको सीधा भी नहीं लाना, इसको आहिस्ता आहिस्ता तिरछा लाना है। फिर ये देखिए थोड़ा नीचे हुआ, सीधा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया, थोड़ा नीचे सीधा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर, ये चीज।
ठीक है जी, इस चीज को देखें, अपनी गलतियां दुरुस्त करें और फिर आगे बढ़े। आज हम जो मजीद आगे सबक पढ़ेंगे उसमें स्वाद और तौके को जानेंगे। अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर, सर मेरा काम चेक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? साइमा हसन? हुआ है, हुआ आपका काम चेक हुआ? नहीं सर, मैं बैठी हुई हूँ, मुझे तो आवाज नहीं आ रही है। आपको मुमताज मिला है, मुमताज भी मिला है आपको, सर मैं हुआ तो है आपको। कंटिन्यूअसली लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता चला, आप लिख रही हैं ना, आप देख नहीं रही। देख भी रही हूँ। सॉरी सर, मुझे बता दें। आपका काम बहरहाल चेक हो गया है, मैंने रिमार्क्स दे दिए हैं, आप देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ऊपर पेंसिल से साइमा ऐसा लिखा हुआ था, मैंने देख लिया। सर मैंने 1 mm से कलम से ट्राई किया, 1 mm से काफी मुश्किल लिखा जा रहा है, काफी छोटा लिखा जाता है 1 mm से। जी 1 mm से छोटा लिखा जाता है, 1 mm से अभी ट्राई ना करें, 2 mm से लिखें। 2 mm, 1 mm की बारी हो गया है। मजराहे करम अपनी माइक और वीडियो म्यूट रखा करें। देखिए, हमने जो हरूफ आपको बताए उसकी करेक्शंस भी की, आप लोगों की गलतियां भी निशानदेही की उसकी। उसके बाद ये देखिए, इसको छोटा करें, सीधा रखें, ये देखिए मिस सत्वर, थोड़ा सीधा रखें इसको, फिर तिरछा रखें इसको, सीधा ना रखें। अच्छा देखिए, इसका रुख इस तरफ हुआ है, फिर ये आपकी नशिस्त होनी चाहिए। अब हम सौत की तरफ बढ़ेंगे, सौत को जानिए। सौत के लिए आपने ये दो नुक्तों को याद रखना है। और यहां से चार नुक्तों को याद। अब क्या करें, ये लेके आए यहाँ से तिरछा कलम, जैसे कि आप अलिफ के लिए रखते हैं 70 के एंगल पे, तिरछे कलम को ऊपर ले जाए, यहाँ तक 3 नुक्ते तक ऊपर ले जाए। इसको ऐसे हल्के से कर्व के साथ जाएगा, यानी आप इसको सीधा भी ले जा सकते हैं और आप इसको ऐसे करके ऐसे भी ले जा सकते, ये दोनों तरीके ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे गया वैसे ही रुका और ये आ गए 1 नुक्ते के बराबर तक, ये स्ट्रोक बनाया 1 नुक्ते इस तरह से ऊपर से नीचे।
ये मैं यहीं पे रोक देता हूँ। अब यहाँ पे कलम रख के थोड़ा फासले से बना रहा हूँ, वैसे यहाँ रखना है, जोड़ के ऊपर से नीचे आना है आहिस्ता आहिस्ता, और इस स्ट्रोक को इस स्ट्रोक में मर्ज कर दे, मिला देना है, जम कर दे ये। जैसे इसके साथ मर्ज हुआ, एक नुक्ता और आगे आ जाए, यानी ये जो आपने 3 नुक्ते ड्रॉ किए थे, तो इससे आप एक नुक्ता और आगे आ जाए, ये हो गया। अब एक नुक्ता जो आगे आ गया ना, यहीं पे कलम रख के आपने ये करना। ये एक नुक्ता आपका यहाँ आ जाए, यहाँ आधा नुक्ता आ जाए। ये जैसे ही ये किया, ऊपर रखा, फिर उसके बाद आपने सीन वाला दायरा, सीन स्वाद हो गया। फिर देखें ये, यहाँ रख के थोड़ा सा सी, ये 80 डिग्री पे आप, ये जैसे ही आगे गए, इससे एक नुक्ता आगे गए, बस एक नुक्ता आगे जाना है, और फिर फौरन ये, यानी नुक्ता आगे गए ना हम इससे, तो बस ये टोटली ये नुक्ते तक, नुक्ता आगे जाके फिर ये नहीं बनाना, बल्कि ये नुक्ते के अंदर अंदर आए, जैसे ही नीचे आए एक नुक्ता के बाद गया। ये स्वाद हो गया, इसी के ऊपर नुक्ता लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा, यहाँ यहाँ लगाएंगे, इसके अंदर भी एक नुक्ता फंस जाए पूरा ये। फिर देखें, अच्छा इसको अगर मैं थोड़ा सा और ट्रेडिशनल बताऊं, तो इसको ऐसे करके बनाते, यानी थोड़ा सा ये लचक के साथ भी बनता है। फिर यहाँ आकर ये लचक इसकी मर्ज सर हो जाती फर्स्ट वाला स्ट्रोक जो है 45 पे जाएगा, है, ये 45 पे जाएगा। ये सीन की तरह, अगर आपको स्वाद समझ आ गया तो आपको तो भी समझ में आ जाना चाहिए, तो आप भी सेम है, एक दो, एक दो तीन चार। अब यहां से ये आए, इसमें मर्ज किया, अब मर्ज करने के बाद एक नुक्ता और आगे, ये एक नुक्ता आगे आए, अब इसकी नोक बना दी, ये सीधी नोक गई, हल्की सी सीधी, ये सीधी जाके आखिर से हल्की सी ऊपर, और फिर इस हिस्से को नीचे से ये एक नुक्ते तक सीधा आया, और फिर उसके बाद इससे नीचे जाके ऊपर जाके इसके सामने ले गया। तो एक नुक्ता ये स्ट्रोक है और एक नुक्ता ये है, तो ये 2 नुक्ते हो, ठीक है। फिर ये जो अंदर की इसकी सफेदी है, ये जो सफेदी का ये अख्तितम हो रहा है ना, ये इसकी सीध में यहाँ पर इसका अलिफ आएगा, अलिफ तिरछा ही होता है, ऐसे तिरछा आके इस जगह पे आके इसके साथ मर्ज हो जाएगा। यहाँ ज्वाइंट नहीं करना, यहाँ नहीं करना, यहाँ बल्कि यहाँ करना है, ये इसकी सीध, थोड़ा सा तिरछा आता है ये, देखें शुरू आपका इसको यहाँ से किया, लेकिन यहाँ आकर और इसके ऊपर ताज बना दे, इसे ताज, और ये 5 नुक्तों पर, 1 2 3 4 5, यहाँ आधा नुक्ता आ जाए, सही है, अलिफ नहीं समझो बराबर होता है 5 नुक्तों का, अलिफ के बराबर। जी। अलिफ बराबर 6 नुक्तों का भी होता है, लेकिन इसको 6 नुक्तों का नहीं बनाते,
इसको 5 का ही बनाते हैं। अब तो आप सौ खेलो। के अंदर सौ तो एक आएगा और तौ के अंदर भी एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा। और तो सर जो आप ताज कह रहे हैं वो एक नुक्ते नुक्ता है बेसिकली। ताज एक नुक्ता है। ताज का तरीका मैं तफसील से बताता हूँ। जी पहले इसको सीखे, ये स्वाद की तरह है, सीधा सीधा आगे सर, आ गए। स्वाद और ताज जी, स्वाद और त्वा में क्या? फर्क कोई नहीं है, फर्क यहां से है बस। ये सीधा होके थोड़ा ऊपर गया, ये इसके साथ ज्वाइंट हो गया। फिर इसकी सीध में ये आना चाहिए। मैंने बताया सीध में खत्म होगा, शुरू यहां से होगा। यहां से शुरू यहां से होता है और आहिस्ता आहिस्ता इधर आके खत्म होता है। अब ये जो ताज है ना, ये कई तरीकों से बनता है। ताज को देखें पहले, ये ताज आएगा ऐसे करके। एक मैंने ये किया कि ऊपर कलम रखा, जहां से ये मैंने शुरू किया था अलिफ, इसके ऊपर यहाँ कलम रखा। इसको नोट करें, ये करके यहाँ रख के मैंने इसको पूरा नुक्ता बना दिया। नुक्ता, नुक्ते से मुराद मेरा ये नुक्ते की तरह सीधा है। इसमें मैंने घुमाया और इसमें मैंने सीधा लाया। ये आपको समझ में आ गया? जी सर आ गया, ये कर्व वाला ज्यादा खूबसूरत लगे। कर्व वाला है ना। अब इसमें जो है, जो मेरा तरीका है, मैं ये करता हूँ पहले और फिर ये, यानी ये नोक सी निकालता हूँ, फिर इसको घुमा के ये नुक्ता बनाता हूँ, फिर ऊपर रखता हूँ कलम यहाँ यही नोक पे और सीधा ले आता हूँ। अब इसमें असाजा का तरीका ये है कि ये वाली नोक तो नजर आती है, कुछ ये वाली नोक भी दिखाते हैं, यानी ये बनाया और ये किया, तो ये नोक भी नजर आ रही है और इसका ये भी नजर आ रहा है। तो एक तरीका ये, एक ये वही है पहला वाला, ये तीसरा। ठीक है, ये तरीके जायज, बिल्कुल ये सारे तरीके ठीक। इसमें भी ये हो सकता है कि ये सीधे नोक में भी ऐसे कर सकते हैं कि ये नोक भी नजर आ रही है और ये चार हो गए। बात समझ आ गई? ये ताज बनता है तौ पे, काफ पे, लाम पे, जब ये शुरू में आ रहे हो। ये इंशाल्लाह आपको जब जब जिन जिन हरूफ पे ताज आएगा आगे, तो खुद पता चलता चला जाएगा। ताकि इसका रुख भी, इसके बनाने के तरीके भी, इसका साइज भी, इसकी बनावट भी, हर चीज आपके सामने आ गई। अब सीन और सौत का जो दायरा है, इस दायरे में एक और वेरिएशन भी है हमारे पास, उसको भी समझे। जिन जिन हरूफ के दायरे आते हैं, जैसे कि सीन का, सौत का, आगे जाके आप पढ़ेंगे ऑफ का, और इसी तरह से नून का, या का, तो इनके दायरे हैं। तो इनके दायरों को हम लंबा भी कर सकते हैं, यानी हमारे पास एक, जी, एक नुक्ता है फंसा हुआ, एक नुक्ता पूरा, एक नुक्ता फंसा हुआ। लेकिन तो आप ये देख रहे हैं, बाकी आंख, ये आंख बनी हुई है ना अंदर से। सर स्वाद में फंसा हुआ नहीं है क्या? स्वाद में भी ऐसा ही है, स्वाद में थोड़ा सा खुला खुला आपको लग रहा है, लेकिन है ऐसे ही। ये देखिए, अब यहाँ फंस गया। अब देखें,
जो मैं दायरे की बात कर रहा हूँ, सीन में हो या स्वाद में हो, मैं पहले सीन में बना देता हूँ, फिर स्वाद में भी बनाऊंगा, आप स्वाद में बनाइएगा। अब ये जो आता है ना, ये जब आप मुफरत सीन बना रहे थे तो ये हिस्सा आपने कितने का बनाया था? डेढ़ नुक्ते का हाँ, ये हिस्सा 1.5 नुक्ते का बनाया था, ये वाला, नीचे वाला का जी, ये जो नीचे नीचे आ वाला रहा, ये जो नीचे आ रहा है, ये वाला। सही। अब जब सीन का दायरा बड़ा करते हैं तो इसको आधा नुक्ता नीचे ले गया, आधा, इसको आधा नुक्ता आप नीचे लाए, नीचे ला के फौरन इसको पतला कर, ये घुमा के ये पतला हो गया, यानी ये यहाँ से ये 1.5 नुक्ता है। अब देखें, अब यहाँ से दायरा शुरू करूंगा, ये जो जॉइंट है इसको याद रख, इधर तिरछा कलम रखा पतला सा, इसको जॉइंट किया, तिरछा यानी मैं रखूंगा कोई ऐसे 60 डिग्री, ऐसे तिरछा कलम रख के आहिस्ता आहिस्ता मैं नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। ये जमीन पे लगा दरमियान में, अब आहिस्ता आहिस्ता उठा 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 उठा, जब यहां से पहुंचने लगा तो इस पे पहुंचने से 2 नुक्ते पहले मैंने नीचे वाली नोक उठा दी और ऊपर वाली नोक से ये कर दी। अब मेरी यहां पर ये एक नोक नजर आ रही है, बस इसका जो दायरा है ना, 2 बा के बराबर, यानी के 12 नुक्ते, और यहाँ पर 1 2 3 3 नुक्ते अगर यहाँ है तो यहाँ भी 3 नुक्ते, ठीक है, और यहाँ 2.5 नुक्ते हैं तो यहाँ भी 2.5 नुक्ते, यहाँ 2 नुक्ते हैं तो यहाँ भी 2 नुक्ते, तो इसकी जो गहराई है वो 2 से 3 नुकात होगी, 2 से कम नहीं हो सकती इसकी गहराई और 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, और चौड़ाई कितनी है? 2 बा के बराबर, यानी 12 नुक्ते। ये तो मैंने गहराई की बात की। अब ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता पतला हुआ है तिरछा कलम से, फिर ये खुद बहुत मोटा होता चला गया, वही तिरछा कलम आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, यहाँ आकर नीचे वाली नोक उठा दी, ऊपर वाली नोक से ये चला गया, इसको इधर जाना है, इसको ऐसे ऊपर नहीं जाना, ये चीज, ये इसके बराबर आकर खत्म हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे पहले खत्म हो सकता है, यानी इस सीट से पहले खत्म हो सकता है 1 नुक्ता, लेकिन इसके ऊपर खत्म नहीं होगा, इसके बाद खत्म नहीं होगा। इसकी उमूमी गलतियां भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस दायरे को समझें। अब यही दायरा आपका स्वाद के साथ भी आ सकता है। ये किया, जितना आहिस्ता कलम चलाएंगे उतना आपका देर तक कलम चलेगा, यहाँ आकर आपके कलम की इंक खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना। तीन नुक्ते से कम नहीं, 2 नुक्तों से, 3 नुक्तों से ज्यादा नहीं, 2 नुक्तों से कम नहीं, इसके अंदर सीधे लिखे जाने वाले हुरूफ आते हैं जो लाइन पे लिखे जाते हैं, इसलिए उस्ताद शौकी ने इसमें 2 दफा तौ बनाई, यानी इसके अंदर आइन नहीं बन सकता क्योंकि आइन फिर इसको टकराएगा। वो बात समझ में आ गई जी सारी? सॉरी, आगे आइन नहीं भी सर, दूं? सारी नहीं आई मुझे सर सर, बहुत है मुझे स्वाद का जरा पहला हिस्सा एक दफा बता दीजिए। सर, आइन नहीं देंगे। अच्छा, ज्यादा हो जाएगा, नहीं सर, ज्यादा तो नहीं होगा, एक जैसा ही है तकरीबन, स्वाद और तुआ तो एक जैसा ही है, सिर्फ वो एक दायरे का वो हुआ है। बस मुझे स्वाद का सर पहला हिस्सा बता दीजिए एक दफा।
तो आज का सर के देखें, अच्छा रखा 70 पे ऊपर गए 2 नुक्तों के बराबर, 2 नुक्ते ऊपर गए, ऊंचाई 2 नुक्ते, चौड़ाई 3 नुक्ते, फिर उसी जावे पे रख के थोड़ा सा घुमाते हुए कर देते हुए 1 नुक्ते के बराबर ये देखिए। फिर यहीं पे कलम रखा और तिरछा करते करते जिस तरह आप ये करके बा में ये घुमाते हैं, यही स्ट्रोक आप लेके आएंगे, गोया कि आप बा बनाने जा रहे हैं। बस इसको क्रॉस किया हल्का सा, आधा नुक्ता ऐसे आगे, फिर आधा नुक्ता आपका इस हिस्से का, और ये जो यहां से इससे यहां तक ये उठा है ना, तो ये भी आधा नुक्ता सही बन गया, ज्यादा उठाना भी नहीं है। मेरे ख्याल में तो मैं आपको आइन भी दे देता हूँ, क्योंकि आइन का सिर्फ सर बनाना है, धड़ तो वो जिम वाला है। जी सर, ठीक है संभालो। दे नहीं, मेरा ख्याल है सर इसकी प्रैक्टिस करने दें आज। सर, दे दें सर, अभी टाइम मैं क्या ज्यादा है करूँ, मुझे बताओ, काफी मुझे दिन है बताओ आपके। मुझे। सर दे मंडे दें, दिन है वैसे। फ्राइडे सैटरडे सर संडे मंडे नहीं दिन देंगे फ्राइडे सर, दिन ज्यादा है आप दे दें। नहीं, तो ठीक, ओह काफी लड़ाई होगी। काफी हैं, दिन है, आप नींद भी दे दें। चले जी, मेरा जी चाह रहा है कि मैं दे दूं, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। देखें, 1 2 2 नुक्ते याद रखें, ये रखा कलम 60 डिग्री पे, ऊपर गए, इसको भी याद रखें कि ये 1 नुक्ते के अंदर अंदर सारा काम हो रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर गए, दरम्यान में उठे, उठ के अब नीचे वाली नोक उठा दी, ऊपर वाली नोक से ये कर, अब ये जो मैंने नुक्ता बनाया ना, ये गोया के मैंने इसके 3 किनारे बनाए, 1 2 3, नीचे वाले किनारे से शुरू हुआ, ऊपर वाले किनारे पे टकराया, दरम्यान वाले किनारे पे आके खत्म। इसको नीचे नहीं आना, ये देखें, ये चीज, ये उठान है, नोक नहीं बनेगी, नोक नहीं बनेगी, उठान है, और फिर ये यहाँ रुकेगा, ये इसके बराबर नहीं रुकेगा, इससे ऊपर होगा, ये आइन का सर हो गया। फिर ये जो आपको इसका दरमियान नजर आ रहा है ना, यहीं पे कलम रखेंगे, आधा कलम स्याही में आधा सफेदी में, यहाँ रखा, रख के ऐसे घुमाना, ये घुमाया, ये आए इधर, नीचे वाली नोक उठा दी, ऊपर वाली नोक से ये कर, बस दरमियान में 1 नुक्ता आ जाए। तकरीबन उल्टा दाल है ये। नहीं, उल्टा दाल तो नहीं है, सर दूसरी तरफ जैसे होता है ना, दाल का पहले मुंह उस साइड पे होता है, इसका दूसरी साइड पे, नहीं तकरीबन उस तरह से। ऐसे भी नहीं है। दाल दाल तो दाल का ये हिस्सा ऐसे नहीं होता, नहीं दाल ना कहें आप, पैर ये जो है सर ना, हमजा भी ऐसे ही बनेगा ना सर? हमजा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, ये ऐसे करते 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 आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर गया तो पतला हो गया। अब ये जो है ना, ये वाली जगह, इसकी जो ये सील है, ये जो इसका एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे कलम रखेंगे, ये जो ये जगह बन रही थी यहाँ पे, जैसे कि आप जीम में बनाते हैं ना, जीम में ये करके यहाँ कलम रख के ये करते हैं, तो यही सेम 1 नुक्ते के फासले से, इसके और इसके दरमियान 1 नुक्ते का फासला होगा, ये रखते ही आप ये लेके आए, देखें ये मर्ज हो गया इसमें, और ये इसके बराबर आ गया, इसमें मर्ज हो गया, ये बराबर आया, सीधा किया और जी बना।
सर ये थोड़ा लंबा होता है क्या? ये इससे दो नुक्ते आगे जाता है, क्योंकि ये टोटली 3 नुक्तों का हो गया ना। जीम यहाँ से 4 का था और यहाँ से 5 का, तो यहाँ से ये 3 का है तो यहाँ से 2 का हो, इसलिए ये आगे गया। बाकी ये आपके 6 नुक्ते भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते, इसका मसला नहीं। ये चीज समझ में आ गई आपको? आसानी से समझाई मैंने आपको। जी फिर सर देखिए, समझ आ रहा ये ऊपर गए, अब समझे। है सर, ये तोते की चोंच लग रही है मुझे। हाँ, तोते की चोंच, बिल्कुल अब सही कहा। तोते की चोंच उस वक्त ज्यादा महसूस होती है जब हम आइन अलिफ आ लिखेंगे, उस वक्त ज्यादा चोंच लगती है, क्योंकि उसमें जरा आइन जो होता है ना वो ऐसे करके ऐसे जाता है, उसमें थोड़ा चेंज होता है, ऊपर जाने वाला आइन कुछ और होता है, नीचे जाने। तो अब ये तोते की चोंच लगती है, उसमें हम आधे में नहीं लाते नीचे, बल्कि इसको 1 2 3 1/3 में ला के रोक देते हैं। इसमें हम इसको आधे में ला के रोक देते, समझे? सर बड़ी मैथमेटिकली जो ना कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है इसकी। भाई हंदसतुन रूहानिया, ज्योमेट्री है भाई, रूहानी सर ज्योमेट्री, सोलुस सोलुस में भी इतनी मेजरमेंट होती है क्या? उसमें इससे ज्यादा है। खत, हर खत में बहुत ज्यादा मेजरमेंट। जितने भी ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट्स हैं सब में सही, नाप तोल के बगैर तो कुछ भी नहीं है। इंसानी आजा को देख लें आप लोग, अल्लाह की नाप जो तो बनावट है, एक एक हर्फ, एक एक चीज, एक एक उज्व आपका नाप तोल के बनाया गया है या नहीं, तो सेम है। ये इसकी मिसाल यही है ना, कहते हैं अलिफ जो है, अलिफ से मुराद वो इंसान है। तो आपने देखा होगा ये तुर्की लोग ज्यादा लिखते हैं अलिफ, और आपने देखा होगा कि अलिफ भी लिखा होता है और फिर ये वाव भी लिखते हैं। इनका क्या इंसानी आजाद? सर क्या तो इसको जरा एक्सप्लेन इंसानी, करें। इससे मुराद जरा इंसानी वजूद है, कि इंसानी वजूद अपनी सही कड़ियल जवानी में और अपनी सही साख और बनावट में सीधा खड़ा हुआ, और ये उसका माँ की पेट में उसके वजूद पर दलालत करती। तो ये चीज उसके बचपने की और ये ऐसे उसकी जवानी। तो बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है इसका। तो ये देखें, हर चीज की एक बनावट है, अंदर एक नुक्ता आ गया, यहाँ एक नुक्ता आ गया, ये मैंने आपको 1 नुक्ते के अंदर अंदर एक्सप्लेन कर दिया, ये इसके बराबर यूं हो गया, ये इसके बराबर यूं हो गया, ये इससे आगे 2 नुक्ते आ गया। ये सारी चीजें जो है, यही तो खत्ताती का हौसन है। एक्सक्यूज मी अब सर, आइए जी। सर ये जो आइन की हेड का जो थर्ड स्ट्रोक आपने बनाया है, इसकी इसकी भी डेप्थ जो है वो एक ही नुक्ता होगी? इसकी डेप्थ से क्या मुराद है? ये नहीं नहीं जो सर, ये बनाया हेड हमने, का, हेड का जो स्ट्रोक जो नीचे आ रहा है, थर्ड ये वाला, वाला सर, थर्ड वाला। जी जी सर, इसकी भी एक ही नुक्ता होगी, अच्छा ये मतलब यहां से टोटल आप, विथ। ये थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा सा सर इसके कर्व के बीच में यहाँ एक नुक्ता आता है। बीच में आ जाता है इसको। वैसे ये यूं बनता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन जब मर्ज हो जाता है तो तकरीबन तो 1 नुक्ते का ही रहता है। यूं हम देखें तब भी ये 1 नुक्ते का दिख रहा है, और अगर हम यूं देखें तब भी ये तकरीबन 1 नुक्ते का दिख रहा है, खुला ढुला सवा नुक्ता आ जाता सर है। अब मैं आपको कॉमन गलतियां बताता हूं तो आपको अंदाजा होगा। देखिए, स्वाद में होने वाली जो गलती है ना वो ये कि आप लोग कलम सीधा रख देंगे फिर मोटा मोटा जाएंगे, ये नहीं करना। अच्छा रखना है ऐसे ऊपर जाना। अच्छा फिर क्या करेंगे? ऊपर नहीं जाएंगे, सीधा सीधा रहेंगे,
तो फिर सात का सर छोटा बनेगा, ये अंदर का ये हिस्सा छोटा बने, तो ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, इधर नहीं जाना। चलो ये भी ठीक बना लिया। अब आपने इसको डायरेक्ट नीचे कर देते हैं, और नीचे नहीं आना बल्कि इधर को जाना है, 45 का जो मुखालिफ समत है ना उसे, यानी इस तरफ से 45। अब इसको ऐसे ऊपर से लाना है। इसको क्या करते हैं, ऐसे झोल के साथ नहीं लाते बल्कि इसको यानी बिगिनर्स क्या करते हैं, झोल के साथ नहीं हाँ लाते बल्कि इसको गोल चल, करके ले, मेरे ये बस। पे खुले रहे टी बैग बहा ना दुख दम दे पानी उबाल। चाय का टाइम हो गया भाई, हमने तो अभी खाना भी नहीं खाया। अच्छा ये गोल गोल नहीं करना, गोल नहीं जाना, ऊपर से नीचे ला, गोल लाएंगे तो अंदर खला ज्यादा हो जाए। तो ये इसमें स्वाद के इब्तदाई हिस्से में, स्वाद में भी और तवा में भी ये गलती होती है। अलबत्ता तवा में एक गलती ये भी होती है, ये करके बहुत ऊंचा ले जाते या ऐसे बहुत नीचे लेके आते हैं और इधर ही चलते चले जाते, या फिर बिल्कुल बिल्कुल सीधा आते रहते हैं, तो ना ही ऊपर जाना है ना ही सीधा जाना है ना ही नीचे जाना है, बल्कि सीधा आके हल्का सा ऊपर जाना है। ठीक है, दायरे की गलतियां, दायरे की ये जो ये वाला दायरा है इसकी गलतियां बहुत हैं। ये यहाँ से दायरा शुरू होता है ना, तो ये देखें आप लोग यूं कर दिया करें, बीच में तीन नुक्ते लगा दिए, यहाँ तीन नुक्ते लगा, ये आपका एक बा, ये आपका दूसरा बा, ये दरम्यान में तीन नुक्ते ऐसे रख के, ये आहिस्ता आहिस्ता ये आ गया, अब यहाँ से आया आहिस्ता आहिस्ता। अब ये कभी कभी आपसे 6 9 नुक्तों का भी बंधन, ये तरकीब में हम इसको 9 नुक्तों का भी बनाते हैं, इसको 12 नुक्तों का भी बनाते हैं, यानी तीन के हिसाब से छोटा बड़ा होता रहता है, 9 12 15, 15 से बड़ा नहीं, छोटे से छोटा 9 नुक्तों का इसका ये होगा, दरमियाना साइज 12 नुक्ते, लंबे से लंबा 15। अच्छा ये तो साइज वगैरह हो गया, इस तरह पतला हो के फिर सीधा आना है, इसमें होता क्या है, गलती ये होती है कि ऐसे करते हैं शुरू से नीचे लेके आते हैं, तो ये अजीब सा गोल सा हो जाता है, ये देखिए ये गोल नहीं, ये ऐसे ऐसे बन रहा है, मछली बन रही है, मछली मछली बन रही सर बे की तरह है क्या ये? सॉरी, बे की तरह इसका नुजूल हो रहा है। नहीं, बे तो भाई बे तो बहुत सीधा होता है, उसमें तो एक नुक्ता आता है, इसमें तो 3 नुक्ते 2 नुक्ते 2.5 नुक्ते, तो इसको थोड़ा झोल देना है, बिल्कुल गोल नहीं करना, और आहिस्ता आहिस्ता उठाना है। इसमें क्या करते हैं, जल्दी करते हैं, यहाँ पे जल्दी करते थे और जल्दी ऐसे करते, ऊपर नहीं जाना, इस तरफ जाना, तो इस चीज का ख्याल रखना है आपने। बाकी आइन की जो गलतियां हैं, आइन की बड़ी गलतियां, आइन की ये नोक बन जाएगी, ये नीचे तक ले आएंगे इसको, उसके बराबर तक ये भी नहीं करना, ये करके चले, ये सही बनाया तो ये कर देंगे, यूं बना देंगे, 2 नुक्ते 2 नोके नजर आएंगे, ये भी नहीं करना, ये सही बनाया, फिर ये ऐसे सीधा ले आएंगे और फिर ये कर देंगे, तो सीधा भी नहीं लाना, इसको तो जरा ऐसे लेके आना, ऐसे करके लो और फिर ये, तो इन चीजों का ख्याल रखना है आपने, बाकी आपके सामने है चीजें, आपने जो मुझे सबक दिखाना है वो कुछ इस तरह से लिख के दिखाना।
क्लास में मजा आता है, आप लोगों को सीखने को मिलता है। जी सर, तो बहुत अच्छे तरीके से आपने सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बारीक बारीक मजा आता है अल्हम्दुलिल्लाह। बारीक। सर कल मेरी एक आपकी स्टूडेंट सबा आरिफ से बात हो रही थी, तो वो कह रही है मेरा दिल कर रहा है कि मैं सर से दोबारा सीखूं। मैंने कहा आप आ जाए, हमारी क्लास अभी ज्यादा बहुत आगे नहीं गई। चले उनसे मैं खुद कह दूंगा, बहुत अच्छा लिखती है वो, बहुत अच्छा। सर अक्सर खतात के खात में कलम के साथ लेफ्ट साइड पे एक होता है पेन होल्डर टाइप, सर वो क्या चीज होती है? देखिए जैसे मेरा अभी ये कागज हवा की वजह से झोल खा रहा है ना, जी, तो जरा उसको दबा के रखने के लिए, प्रेस रखने के लिए आप कोई भी कलम कोई भी ऐसी चीज ऐसे ठीक है पकड़ सर। के वो लिए। बड़ी स्पेसिफिक वुड की या स्पेसिफिक बोन की लगता है बनी हुई है, उससे कोई और काम भी लिया जाता है या बस इसी काम के लिए? नहीं एक तो ये है कि कोई कलम रख दिया, कोई आपका होल्डर रख दिया, एक ये है कि ये रखा जाता है, शह का कांटा, ये सही, शह जानवर का कांटा, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह की चीज होती है ऐसी ही ये ये चीज। शह जानवर का कांटा, ये इंक मिक्स करने के लिए यूज होता है। जब आप इंक बनाते हैं ना, तो फिर असाज़ा ऐसे वो धागे से और इंक से इसको मिक्स करते हैं। बस ये शाही शशके हैं, पुराने दौर में मैंने असाज़ा ये इस्तेमाल करते थे। अक्सर ये टर्किश वालों के हाथ में देखे हैं। बिल्कुल ऐसे ही भाई, एक्सक्यूज मी सर, शाही आपने फन है, बात शाही फन है, फकीर बन के सीखना पड़ता है। सर आपसे ये पूछना था कि अगर आप कैटेगराइज करें तो कौन सा खत जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है और कौन सा खत जो है वो लोगों को सीखने के लिए सबसे आसान है, प्लीज मैं आप प्लीज बता दें सर। कैटेगराइज नहीं करता, मैं हमेशा कहता हूं कि पहला खत मुश्किल होता है। कौन सा खत मुश्किल होता है ये नहीं कह रहा, पहला खत मुश्किल हो कोई भी हो, जब आपको एक खत की समझ आ जाती है, जब आपको कलम से शनासाई हो जाती है, कागज से हम आहंगी हो जाती है, इंक से आपकी जो है वो तालमेल जुड़ जाता है, तो फिर आपसे आपको हर खत आसान। सर जैसे मेजरमेंट वगैरह की जो है मामला, वो थोड़े कम किस में होते देखिए किसी में कम इसमें हम नहीं अपनी होते, मर्जी कर सकते मर्जी खत, वो है खत मर्जी, उसका नाम होता है खत मर्जी, वो अपना होता वो बाकी तो ओपन कैलिग्राफी वो हाँ कैलिग्राफी में आते हैं, मॉडर्न वो जो कैलिग्राफी आजकल में आते हैं जिसमें हम आजकल पेंटिंग में से सब कुछ लिख लेते हैं। आजकल जिस जिसको लोगों ने मॉडर्न कैलीग्राफी का नाम दिया गया है, असल में वो खत मर्जी है। सर जिसको कुछ कर मैंने दो, कल किया जिसको कुछ था, कर दो, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, जिसको कुछ करना नहीं आता वो खत मर्जी शुरू कर देता है, वो कहता है ये खताती, ये मॉडर्न कैलीग्राफी, ये कैलीग्राफिटी है, कैलीग्राफिटी ये कैलीग्राफिटी है। है। अच्छा हाँ उसमें हम मर्जी कर सकते हैं अपनी। वो उसमें मर्जी करें, लेकिन इतनी मर्जी ना करें कि कुरान का मजाक उड़े नहीं 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 और कुरान की आयत की तरतीब की मजाक उड़े और कंपोजिशन का मजाक उड़े। एक लफ्ज इधर लिखा हुआ है, एक उधर लिखा हुआ है, कुल इधर हुआ उधर, अल्लाह उधर, अहद उधर, तो तरतीब कुरान की नजूल तरतीब नजूली कायम रहे, लफ्ज समझ में आए और रूल्स के मुताबिक हो। जो ट्रेडिशनल सीखा होता है ना, वो हमेशा मॉडर्न अच्छा करता है, और जिसने मॉडर्न नहीं सीखा वो ट्रेडिशनल सीखने का कहाँ है आजकल के बच्चों की तरह, तो वो ना उसके काम में तासीर पैदा होती है, ना उसके काम रूह है, और ना ही वो सही नहज पे उसके अल्फाज आते हैं। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आर्ट में भी यही है, जब तक आप ट्रेडिशनल तरीके से पेंटिंग नहीं सीखेंगे तो मॉडर्न आर्ट भी नहीं सीख सकते।
नहीं सीख सकते भाई, ट्रेडिशनल के बगैर मॉडर्न मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। नहीं होगी किसी चीज जो चोर फेस जो जरूर। चोर रास्ता तैयार करता है वो तो बस जैसे कह रहे हैं कि अपने आप को मुतमइन कर रहा है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। सर मैंने पेंटिंग्स में देखा है कि वो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि एक लफ्ज इधर और दूसरा वो ऊपर जाके लिख देते हैं आयत का, तो वो डिसकंटिन्यू करते हैं उसको आयत को, और उसको मॉडर्निज्म देने के लिए वो खुद कह के करते हैं। तो उसमें आम पढ़ने वाला इंसान जिसको आयत का पता नहीं है या याद नहीं है वो उसको नहीं पढ़ सकता। तो वो उस तरह से मेरे ख्याल में जैसे अभी आपने कहा कि नहीं लिखना चाहिए आयत को तोड़ के, मजाक है, तो इसे इसको नहीं करना चाहिए इस तरह से। जी नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जरा उसूलों के तहत अगर वो हमें भी हाँ वो हम पे इश्काल करते हैं, भाई आप लोग भी तो खत सुलुस में इतनी मुश्किल तरकीबें बनाते हो कि लफ्ज ही समझ में नहीं आता कि आया ये पहले ये है ये पहले ये है। तो भाई वो उसूलों के तहत है, आगे पीछे जरूर है, लेकिन फन को साहिब फन ही समझता है। तो सही अब आजकल मॉडर्न वो साहिब फन के लिए नहीं करता कोई, मॉडर्न कैलीग्राफी साहिब फन के लिए नहीं है, मॉडर्न कैलीग्राफी कमर्शियलिज्म है, वो आम आदमी के सर, लिए करते हैं और आम आदमी उसको एज अ डेकोरेटिव पीस लेता है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा उसके लिए। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और उसमें बहुत ज्यादा वो आयात को लिखते भी नहीं है, जस्ट वो हरूफ को ऊपर नीचे करके इतना ज्यादा उसको मॉडर्न कर देते हैं कि ये उसमें वो हमारे है। पर्दों से मैचिंग करे, हमारे सोफे से मैचिंग करे, हमारे बेड से मैचिंग करे, बस यही है। सही। तो खैर मॉडर्न कैलीग्राफी वाले सुन रहे होंगे तो उनसे माजरत के साथ, बाकी ये कि ये करें तो इंशाल्लाह फिर आगे देखें। मॉडर्न भी आप करेंगे तो खूब करेंगे इंशाल्लाह, मैं भी करता हूँ मॉडर्न। मैंने अपना वो खत मारूफ गैर मारूफ के नाम से मैं भी बहुत सारी हरकतें करता हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल में रहते हुए करता हूँ। तो सर आपने इससे ये है पेंटिंग कि बनाई है? नहीं, पेंटिंग नहीं बनाई मैंने, मैं ट्रेडिशनल के अंदर रहते ही हुए मैं जरा वो मॉडर्न करता हूँ। जिस तरह आपको अगर तो मैं आपको दिखाऊँ तो सर आप शेयर किया करें। ये मैंने जैसे लिखा है, जैसे ये नसीब नुसरत, अब ये लिखा है नसीब और ये लिखा मैंने नुसरत, तो ये एक लोगो टाइप का मैंने बनाया। तो और भी मैं सर आपसे मैंने आपसे कुछ रिक्वेस्ट की थी, अशार मेरे वगैरह नाम मैं का मुझे लिखता हूँ लोगो आप। बना के दिखाएं, मैं मुझसे नहीं बन रहा, कैसे बनना चाहिए, मैंने सर आपसे मैं अभी रिक्वेस्ट यही की। कहने लगी थी, चलें देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह किसी दिन। तो ठीक है सर आप हमारे इंशाल्लाह नामों लगे का रहें। लिख के बताइएगा ना, हम जी जी सबके नाम लिख के बताएं ताकि हम जी वो भी आखिर में, आखिर में पढ़ आएगा, वो आखिर में मरहला आएगा इंशाल्लाह। वस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, सकें। वाखिर दावानों में सर जिसको नस्क मुश्किल लग रहा हो वो क्या करे? वो कुछ भी ना करे, वो अपने लिए अल्लाह से मांगे, वो मश्क करता रहे, छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, हार नहीं माननी। आपको नसीब होगा, आपको अगर शौक है तो आपको नसीब होगा इंशाल्लाह, नस मुश्किल नहीं है। सर एक अब सुन क्वेश्चन है कि अगर सर अगर ये जो आयन का जो दायरा है उस वो 6 की बजाय 5 में कर दें तो उसको वो शेपलेस तो नहीं हो जाएगा और उसका नहीं, तनासुब उसके सर के साथ वही रहेगा फिर? हाँ नहीं, कोई 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 फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस अच्छा उसके 5 जो भी कर अंग सकते है ना वो बरकरार रहे। जैसे एक लंबा आदमी हो, ज्यादा लंबा ना हो, जी। आम आदमी से यानी 5 फुट 6 इंच का भी हो, लेकिन वो 6 फुट ही आदमी वो भी ज्यादा बुरा नहीं लगता, बल्कि कभी कभी बड़ा हसीन लगता है अगर उसके डील डोल जो है ना वो मुनासिब है, तो जी जी वो बस उसका तनासुब उसका बरकरार रहना चाहिए। तनासब बरकरार रहे तो बड़ा खूबसूरत लगता है। हाँ जी बिल्कुल सर लंबा सा अजीब सा पतला सा हो जाए, बेढंगा हो जाता है फिर, तो पतले वतले नहीं करने, जरा उसके तनासब को बरकरार, उसकी मोटाइयाँ पतलाइयाँ ये चीजें बेहतर हो तो बाकी तो बस बेहतर सर लगेगा। उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है वो उतना ही उसी तरह ये होगा ना? वो उतना ही रहेगा, वो ठीक छोटा बड़ा नहीं। ठीक है सर, जगह ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।